नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन इंडिया, आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। तो किसानों की लड़ाई विपक्ष ने हथियाई, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन की आग में करीब सभी विपक्षी दलों के नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुट गए हैं। खुद को किसानों का हमदर्द बता रहे हैं और इसी बहाने सियासी फसल खूब काटी जा रही है। तो समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी, पीसीसी चीफ अजय कुमार लल्लू और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने किसान आंदोलन को खुला समर्थन दिया है। संजय सिंह और रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी तो मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में भी पहुंच गए और कृषि कानून के विरोध में सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। वही पीसीसी चीफ अजय कुमार लल्लू ने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर किसानों का समर्थन दिया। अब सवाल यह है कि क्या किसानों के आंदोलन को विपक्ष के नेताओं ने हाईजैक कर लिया है, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले, विपक्षी दलों के नेताओं ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार को कैसे घेरा है, आपको सुनाते हैं। पूरे देश के किसान बर्बाद कर चाहते हैं, नहीं होगा ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर भी कैसा है। मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। ये किसान के बेटे हैं, किसान हैं, हमारे देश के लोग हैं, हमारा पेट भरते हैं, इनके समर्थन में हम यहाँ हैं। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कह के भेजा है कि इनके पानी के लिए, इनकी फैसिलिटी के लिए कोई कमी ना हो। मुख्यमंत्री जी की बात हुई थी रात को चौधरी साहब से, मुख्यमंत्री जी ने बात करके आश्वासन दिया था कि पानी के लिए, टॉयलेट्स वगैरह के लिए पूरे इंतजाम करेंगे, कर दिए गए हैं। यूपी सरकार नहीं दे रही है, बिल्कुल हम साथ में हैं, हमारे लिए ये इतना करते हैं, हम इनके लिए पानी तो दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इनको गद्दार कहती है, भारतीय जनता पार्टी सरदारों को गद्दार कहती है, ये किसान देश के बेटे हैं। बिल्कुल, आज हम सब लोग जिस तरह यह सरकार किसानों के आंदोलन का दमन करना चाहती है, इनकी आवाज दबाना चाहती है, लाठी डंडे के दम पर देश के कानून को चलाना चाहती है, 3 कृषि बिल जिसका पूरा देश विरोध कर रहा है, किसान विरोध कर रहा है, मेहनत का सिंसा के साथ धोखा किया जाएगा, विश्वासघात किया जाएगा, उनकी ही खेत पर उनको मजदूर बनाने की साजिश रची जाएगी, ये इस देश में नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, जो मेरा परिवार रहा है, जो उस परिवार का इतिहास रहा है, जिस वर्ग के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने काम किया, आज वह वर्ग, वह कौम संकट में है, और संकट की इस घड़ी में सबकी जिम्मेदारी बनती थी, मैं एक नागरिक के रूप में आया जैन जी जानना, और मैं साफ ये भी कर दूं, वहीं राष्ट्रीय लोकदल की हम बात करें तो ये भी किसानों की पार्टी है। जैन जी 65 दिन हो चुके हैं, ऐसे में जिस तरीके से कल इंसान को भावनाएं ही जिंदा रखती हैं, और जब भावनाएं जिंदा रहेंगी हमारी इंसानियत जिंदा रहेगी। उनकी भावनाएं व्यक्त हुई और उन भावनाओं से बहुत लोगों को चोट पहुंची, किसान कहीं भी था उसकी आंख नम हुई, और इसलिए मैं आज आया हूं। समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात स्पष्ट कर दी है देश के किसानों के आंदोलन को लेकर के, कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार लगातार किसानों की उपेक्षा कर रही है, उनको अपमानित कर रही है, उनको आरोपित कर रही थी, इसी कारण जो किसानों का रोष था वो आक्रोश में बदल गया। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, उसकी सरकार जिम्मेदार है, और जिन लोगों का चेहरा सामने आ रहा है उन लोगों की फोटो किसके साथ है? तो अभी आपने वो तमाम विपक्षी पार्टियों के बयान सुने कि आखिर विपक्षी पार्टियों का क्या कुछ कहना है। अब सवाल ये बनता है कि किसानों की लड़ाई को पूरी तरीके से अब विपक्ष ने हथिया लिया है, और इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि विपक्षी दल जो है वो किसान आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं। लेकिन हाईजैक करने की नौबत आई कैसे, इन्हें आखिर ये मौका मिला कैसे? तो कहीं ना कहीं ये सवाल यहाँ भी बन जाते हैं कि क्या सरकार को घेरने के लिए केवल यहाँ पर ये तमाम विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हो रही है? तो इस पर
हमसे बातचीत करने के लिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं चिंतामणि मालवीय जी जो पूर्व सांसद है बीजेपी से, तो वही लोकेश चुग जो नेता है कांग्रेस से, और विनय पटेल नेता आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे, और इंद्रजीत सिंह आरएलजी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले बहुत स्वागत आपका न्यूज वन इंडिया पर चिंतामणि जी और विनय पटेल जी। नमस्कार मैम जी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी विनय पटेल जी, जब केजरीवाल जी से ये कहा गया था कि उससे पहले भी, आखिर ये लंबे समय से जब आंदोलन चल रहा है इतने दिनों से वह कहाँ थे? जब आज धरना स्थल पर वो पहुंच गए मनीष सिसोदिया पानी लेकर, और वो कह रहे कि किसानों के साथ खड़े रहेंगे, तो इतने दिनों से वे क्या सो रहे थे? उन्हें यह आंदोलन नहीं नजर आ रहा था? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन एक काला कानून देश के संसद में पास हो रहा था, उस दिन आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी ने इस काले कानून का कड़े शब्दों में विरोध किया था। और जब जिस माइक से कानून पास हो रहा था, उस माइक को जब तोड़ा सम्माननीय सांसद संजय सिंह जी ने, तो लोगों ने कहा कि ये संसद के अंदर उपद्रव फैला रहे हैं। आप मुझे बताइए, इस देश के किसान और किसान नेता जितने भी हैं, ये 2 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठे हुए थे, और 26 जनवरी को जब इन्होंने परमिशन मांगा सरकार से, सरकार ने जिस रोड का परमिशन दिया, उस रोड को ब्लॉक कर दिया, इनको दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा था। और उसके बाद जिस व्यक्ति ने लाल किले के ऊपर झंडा फहराने की कोशिश की, उसकी फोटो भी सभी के सामने आई। आप मुझे बताइए, 2014 के बाद जितने भी आंदोलन होते हैं, चाहे वो साइन ब्लॉक का आंदोलन है, उसमें गोली चलाएं पूछे रहो, क्योंकि आज के 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, और जिस व्यक्ति की फोटो इस आंदोलन में आई वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के साथ उसकी फोटो है, गुरदासपुर के सांसद माननीय सनी देओल के साथ उसकी फोटो है, और कल जब गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के पानी और काट के उसके बाद वहां पे हजारों किसानों को खड़ा कर दिया, ऐसे में अगर दिल्ली सरकार किसानों के लिए पानी व्यवस्था कराती है, बिजली की व्यवस्था कराती है, वहां पर शौचालयों की व्यवस्था कराती है, तो ये क्या गलत है? देश का अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, और अब चंद्र दो पत्तों के चक्कर में देश के अन्नदाता को नहीं, तो ये हक की लड़ाई आपको अचानक से कल और आज में क्यों याद आ गई? नहीं, इसके पहले आपने देखा टिकरी बॉर्डर पर अरविंद केजरीवाल जाकर वहां पर किसानों के साथ खड़े थे। हम लोग शुरू से लेके आज तक किसानों के आंदोलन में, किसानों के हक की लड़ाई में आम आदमी पार्टी आप शुरू से देख रही है, पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है, तो उसमें क्या दिक्कत है किसी को? और ये तानाशाह सरकार, ये तो हिटलर से भी बड़ा तानाशाही हो गई कि आप उनके हक की जो चीज वो मांगते हैं आप क्यों नहीं उन्हें देते? बिल वापस ले लेने से समस्या का समाधान हो जाएगा? आप लोग क्या बदलाव चाहते ही नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल समाधान हो जाएगा। ये काला कानून जो मोदी सरकार ला रही है, अगर वो इसे वापस दे दे, एमएसपी की गारंटी देने में क्या सुविधा है? विनय जी, काला कानून आप बार बार कह देते, अभी तो इसको पूरी तरीके से लागू भी नहीं किया गया। आप 1 मिनट मुझे बोलने का मौका दीजिए जी। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस देश में 1 रुपए की माचिस की डिब्बी आप खरीदने जाते हैं, वो 1 रुपए का हमें मिलता है, क्योंकि उसमें एमआरपी लिखा रहता है, और उसे 99 पैसे में नहीं खरीद सकते। और जिस धान का 1868 रुपए एमएसपी लिखा है, उसे मैं खुद ही किसान में बेचा हूँ। मेरे पिताजी ने 1200 रुपए क्विंटल में धान बेचा है। आप मुझे बताइए, 668 रुपए वो खुद 60 छोड़ते, आप एमएसपी की गारंटी देने में सरकार को क्या दिक्कत है? क्योंकि वो उद्योगपति आपको चुनाव के समय डोनेशन देते हैं, चंद देते हैं, इसके लिए आज देश के 75% किसानों को निग्लेक्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक, विनय पटेल जी, आपके इसी सवाल का जवाब मैं लेना चाहूंगी चिंतामणि मालवीय जी से। चिंतामणि जी, जरा जवाब दीजिए, क्योंकि इन्होंने तो सीधे तौर पर यह कह दिया है कि तानाशाही की सरकार चल रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो सबसे पहले मैं इसी बात का जवाब दूंगा कि जब 11 दौर की बातचीत हो गई और सरकार प्रत्येक स्तर पर तैयार है कि भाई ये प्रस्ताव है, लेकिन ये बिल्कुल तो तानाशाही तो वास्तव में आज किसान कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम केवल कुछ लाख लोग, करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो संसद है, वो जो कानून बनाती है, उसको इसलिए बदल दिया जाए क्योंकि हम कुछ लाख 50,000 लोग इसको घेरे हुए हैं। 50,000 भी नहीं, कहीं 5,000, कहीं 10,000, और या हम कह रहे हैं कि नहीं, इसे वापस ही लीजिए, तो किस तरह का लोकतंत्र चलेगा?
करेगा। ये आम आदमी पार्टी है, अर्बन नक्सली है, क्योंकि वास्तव में ये सही कह रहे हैं पटेल जी कि इसके हम तो शुरू से साथ में, वास्तव में ये शुरू से नहीं, उसके पहले से ये भूमिका, ये पूरा षड्यंत्र इनका है, क्योंकि ये इनका इस तरह चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जिहादी, कम्युनिस्ट और इसमें पाकिस्तान पोषित कुछ खालिस्तानी भी जो अब सिद्ध हो गया है, तो ये कैसे हम सरकार को परेशान करें और आगे वाले बिल पास होने से रोकें, और साथ में ये जो इन्होंने दूसरे बिल, ऐसा कौन सा बिल था जिसको काला कानून इन्होंने नहीं बोला? इन्होंने ट्रिपल तलाक को काला कानून बोला, 370 जब समाप्त किया उसके खिलाफ इन्होंने काला कानून का नाम दिया। तो सरकार क्या काले कानून बना रही, क्या संविधान हमारा काला है, ये अर्बन नक्सली बताएंगे? और ये किसानों की बात कर रहे हैं, इन्होंने किसानों के लिए क्या किया? आप मुझे बोल लेने दीजिए पटेल जी, आप पूरा बोल चुके हैं, आपने अपनी बात रख दी है पटेल जी, आप अपनी बात रख चुके हैं, यू हैव कंप्लीटेड। आप मेरी बात सुन लीजिए, मुझे लगता है कि केजरीवाल जी ने झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी है। आप मुझे बताइए वो फोटो गलत है क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वो फोटो गलत है क्या? फोटो प्रामाणिक हुआ है क्या कि ये उनके साथ फोटो गलत है क्या? माननीय सांसद सन्नी देओल जी के साथ वो फोटो झूठी है क्या? माननीय सांसद हेमा मालिनी जी के साथ वो फोटो झूठी है क्या? झूठा अरविंद केजरीवाल है, उतने झूठे आप हैं, कोई अंतर नहीं है आप में। आरोप लगा रहे हैं कि वो तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी है और फोटो भी है प्रधानमंत्री के साथ, और सनी देओल सांसद है, उनके साथ कोई भी खड़े होकर फोटो खिंचा सकता है। सनी देओल सांसद है, उनके साथ कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई अपनी हिस्ट्री लेकर नहीं घूमता साथ में कि कौन किस तरह का व्यक्ति है। नहीं, लेकिन चिंतामणि जी, चिंतामणि जी, लेकिन जब अगर आप मान लीजिए इंटेलिजेंस को लेकर सवाल करते हैं, अगर आप इंटेलिजेंस को लेकर के आप सवाल करते हैं तो विपक्ष भी तो आपसे पूछेगा ना ये बार बार बार, और तमाम विपक्षी दल ये सवाल कर रहे हैं कि उस दीप सिद्धू को आखिर अब तक बचाया क्यों जा रहा है, क्योंकि क्या इंटेलिजेंस अब यहाँ पर काम नहीं कर पा रही है? सरकार के हाथों में ही है ना इंटेलिजेंस, बचाया जा रहा है, अब FIR दर्ज कर दी है, एविडेंस जुटा रहे हैं, नोटिस दे दिए हैं, अब गिरफ्तारी भी होगी, इसमें बचाना कहां से हुआ? तो कोई और दीप संधू सेलिब्रिटी है, इसके बाद भी वो लगातार अगर कोई कहीं पर बैठ करके वो वीडियोस बना रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार अपलोड कर रहा है, यहां पर इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो रही है फिर? देखिए FIR तो टिकैत के खिलाफ भी है, ठीक है, FIR चढ़ूनी के खिलाफ भी है और योगेंद्र यादव के भी खिलाफ है, तो आप ये भी कहिए कि योगेंद्र यादव को क्यों गिरफ्तार नहीं, कहां योगे, तो सब होंगे जिसकी FIR में नाम है उसे गिरफ्तार होना है, और उन्होंने तो खुद ही पोल खोल दिए दीप संधू ने कि अगर मैं बोलूंगा तो आप सब भाग खड़े होंगे या दिखाई नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये पूरा षड्यंत्र है, इसके पीछे जिहादी है, इसके पीछे कम्युनिस्ट है, इसके पीछे आप पार्टी जैसे अर्बन नक्सली है, कांग्रेस है, पाकिस्तान है, थोड़े बहुत खालिस्तानी है, किसानों का तो केवल चेहरा आगे लिए हुए हैं, ये केवल उनका नाम दिखा रहे हैं और नैतिक स्वरूप दे रहे हैं। किसानों खालिस्तानी है और दीप सिंधु को आज तक आप गिरफ्तार नहीं कर पाए, उसके नाम FIR तक नहीं लिखा पाए और तमाम किसान नेताओं के खिलाफ FIR लिखा दी, शर्म नहीं आ रही? अरे दीप संधु के खिलाफ FIR है, जरा पढ़ के आया करो पटेल जी, शर्म नहीं आ रही है आपको? जानकारी लेके आया करो, आप जिस चैनल पे बैठ के भोगो भोगो कर रहे हैं, शाम को घर जाने के बाद जो सकूत की रोटी तोड़ेंगे वो उनके दाताओं के लिए पैदा किया है, शर्म नहीं आ रही है आपको जरा सी भी? शर्म नहीं आ रही है? अरे सर्व तो केजरीवाल जी को आना चाहिए, झूठों के सरदार को, कि पूरी अराजकता फैला रहे हैं, इसके पीछे दिल्ली दंगे में भी आपकी पार्टी थी, अरे दिल्ली दंगों में के पीछे भी आपकी पार्टी थी, आपके विधायक थे, आपको आना चाहिए शर्व तो। आपकी अंतरात्मा दवा नहीं दे रही है, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप दीप सिद्धू के लिए शब्द बोल सकें, आपकी
अरे आप नक्सली हैं, नक्सलियों की आत्मा नहीं होती है, नक्सलियों की आत्मा नहीं होती है। किसानों को नक्सली है, नक्सलियों की आत्मा नहीं होती है। आप जाके अपने रिश्तेदारों से पूछिएगा जिन्होंने 1800 का धान 1200 रुपए में बेचा है, आपको शर्म नहीं आ रही है? आप ये इसलिए बेचा कि कानून नहीं था, अब कानून आ गया है और इसीलिए स्वतंत्रता है किसान को, वो कहीं भी जाके बेच अच्छा, सकता है, जहां उसको 1900 मिलेगा वहां जाएगा वो, अब मजबूर नहीं होगा बेचने को। ठीक है, लेकिन विनय पटेल जी 100 बात के 1 बात, यहाँ जब इतने लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा था किसानों का, तब तो कहीं किसी के तरफ से इस तरीके की आवाज बुलंद नहीं किए गए तमाम पार्टियों के तरफ से। अचानक से ऐसा हुआ कि 26 जनवरी के वक्त भी जब इतनी हिंसा हुई, उस दौरान भी जब किसानों को जगह जगह से हटाया जाने लगा, तमाम बॉर्डर्स खाली करवाए जाने लगे, तब भी वो तमाम विपक्षी पार्टियां नजर नहीं आई, ना ही आप लोग नजर आए। और उसके बाद अचानक से जैसे ही जब राकेश टिकैत के आंसू छलके और पूरी जनता उनके तरफ हो गई एक बार फिर से, तब आप लोग को याद आ गया कि हाँ किसान आंदोलन चल रहा है, हमें उनको समर्थन देना है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस दिन ये बिल पास हो रहा था उस दिन भी हमारे सांसद माननीय सांसद संजय सिंह जी ने संसद भवन के राज्यसभा के अंदर उसका विरोध किया। अरविंद केजरीवाल टुगेदर पर मिलने गए और हर प्रकार की सुविधाएं किसानों को लिए, किसानों को हम दे रहे। 26 जनवरी यहाँ तक बात है, 26 जनवरी को आपने देखा दिल्ली पुलिस ने बकायदे एक रूट मैप के तहत उसको परमिशन दिया और उस रूट मैप के दायरे में आज जब किसान के अंदर घुसने लगे उन पे लाठीचार्ज कराया गया और प्रायोजित तरीके से जिससे पहले से आप देखा शाहीन बाग के आंदोलन में कपिल बुजेल ने गोली चलाई। नहीं तो विनय जी, सवाल तो मेरा ये था कि जब हिंसा हुई थी 26 जनवरी के दिन पे, उस वक्त आप लोग कहाँ थे? उस वक्त में आप लोगों ने क्यों साथ नहीं दिया? तब तो आप लोगों की तरफ से भी गलत ठहराया गया था ना। आज आप लोग समर्थन कर रहे हैं किसान आंदोलन का, उस वक्त आप लोग कहाँ थे? बातचीत कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है? एक आंसू भी हुकूमत के खतरा है, तुमने तो आंखों को। विनय जी आप सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे, बातों को गोल गोल घुमाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, बने रहिएगा आप हमारे साथ। यहाँ पर इंद्रजीत सिंह आरएलडी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके, बहुत स्वागत आपका न्यूज वन इंडिया पर। नमस्कार मैडम जी, नमस्कार जी। इंद्रजीत जी, लगातार ये बात कही जा रही है क्योंकि अब तो आरएलडी नेता यानी जयंत चौधरी को भी मंच मिल चुका है महापंचायत में और लगातार वो राकेश टिकैत के समर्थन में उतर आए हैं, लेकिन इससे पहले वो भी गायब थे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए 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 मैडम, आप कुछ कहने से पहले इस तरीके की बात मत करिए। कौन सा ऐसा बॉर्डर है जहाँ जयंत चौधरी जी नहीं गए? टिगरी बॉर्डर, सिद्धू बॉर्डर, गाजीपुर, सब जगह मैं साथ गया हूँ। कौन कह रहा है कि हम लोग नहीं गए? हमारी किसानों की पार्टी है, लेकिन हम झंडा बैनर लेके इसलिए नहीं गए कि हम किसानों का नुकसान नहीं चाह रहे। ये जो तमाम विपक्षी पार्टियां अगर अब सामने आ रही हैं और फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रही हैं, तो ये बताइए ना कि जिस दौरान जब 26 जनवरी को जो हादसा हुआ, जो घटना घटी, उसके बाद से लगातार जब तमाम बॉर्डर खाली करवाया जाने लगा, तब ये पार्टियां सारी कहां थी? जब अकेले राकेश टिकैत कह रहे थे कि मैं यहाँ पर आंदोलन खत्म नहीं करूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा। मैडम जी, बात ये है कि हम लोग झंडे बैनर के जरिए किसान का नुकसान करना नहीं चाहते। हम चाह रहे थे किसी तरीके से सरकार के समझ आ जाए और ये बिल वापस हो जाए। सरकार अपनी गलती ना मान के और कोई मंथन ना करके और लुभाने लुभाने वायदे करके खाली भ्रमित करने का एक भोले किसान को काम कर रही है। इतना आप देखिए सिद्धू बॉर्डर पे आज गांव वालों को उकसा दिया और गांव वालों ने जाके पत्थरबाजी कर दी। क्या ये अन्नदाता इसी चीज के लिए बना है? एक अन्नदाता सुबह अपने खेत पे निकलता है, शाम तक खेती करता है, जाके जब रात को मंजी पे सोता, उसको ये नहीं पता होता कि मैं कहां सोया हूँ। क्या वो छल कपट जानता है क्या मेरा किसान? ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ इंद्रजीत जी, यही तो मेरा भी सवाल है आपसे ना कि अगर मान लीजिए ये हाईजैक करने का काम क्या तमाम अपोजिशन पार्टियों की तरफ से नहीं किया जा रहा है? मैं मैडम जी एक बात कहना चाह रहा हूँ, 100 से ऊपर किसान अपनी जान गवा चुके हैं। क्या आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपका इतना बड़ा चैनल है, सब जगह देखा जाता है, क्या कोई आपने मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, राज्य मंत्री जी का इन किसानों के मरने के ऊपर कोई ट्वीट, कोई बयान, कोई किसी अखबार में खबर कोई पढ़ी है क्या आपने? बिल्कुल सवाल पूछे गए थे इंद्रजीत जी, अगर आपने
चैनल देखा होता तो आपको इस खबर का भी पता होता कि उस वक्त वो खबरें भी चली थी। मैं आपके सवाल पूछने की बात तक क्वेश्चन नहीं लगा रहा, मैं तो आपके इन लोगों के कितना इन लोगों के अंदर दर्द नाम की चीज नहीं है, कितने हार्ड हृदय के ये लोग हैं कि ये एक आदमी के कृषि मंत्री जी को उन लोगों के घर जाना चाहिए, उनको संतावना देने के नहीं जाना चाहिए जिनके परिवार के सदस्य चले गए, लोगों ने फांसियां तक लगा ली, जिनका आदमी चला गया क्या लौट के वो वापस आ पाएगा? लेकिन यहाँ पे इंद्रजीत जी सवाल सिर्फ इतना था कि क्या ये जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो क्या इसे हाईजैक करने की कोशिश नहीं कर रही हैं इस आंदोलन को, क्योंकि जब लगातार राकेश टिकैत अकेले अड़े हुए थे उस वक्त तक कोई क्यों नहीं था, उन्हें जब उनके आंसू छल के तो उनके आंसू बहने का इंतजार कर रहे थे आप लोग? तो लगता है इंद्रजीत से संपर्क टूट गया हमारा, इंद्रजीत सिंह जी से जल्द ही संपर्क साधने का दोबारा प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर चिंतामणि जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले अपनी बात रखिए। देखिए इंद्रजीत जो बोल रहे हैं कि किसान बड़ा भोला होता है, ये होता है, यही तो कारण है कि किसान को बरगला कर रहे हैं। इतनी सीधी बात तो उनको समझने नहीं दे रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं कि भैया आपको और स्थान दे दिया गया है, आप कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं लेकिन मंडी में भी बेच सकते हैं, एपीएमसी भी चालू है, बंद नहीं है, उसे मजबूत किया गया है। फिर सरकार को कि भाई एमएसपी बंद हो जाएगी, एमएसपी भी चालू है, गारंटी देने को तैयार है। फिर जमीन का विषय आ जाएगा, झूठ बोल रहे हैं ये जो, अबे जमीन तो उसमें विधान में स्पष्ट लिखा कि जमीन पर कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, तो बात पूरी हुई। तो कुल करके हमारा भोले किसान को ये भड़काने का काम कर रहे हैं, ये उसको भ्रमित कर रहे हैं। और दूसरा ये मृत्यु की बात कर रहे हैं, ठीक है आपसे एक सवाल, 150 मर गए, केवल 3 लोग मरे हैं और 3 में भी एक ने आत्महत्या की है, एक जो है वहां फांसी लगा ली उन्होंने बाथरूम में, और एक और व्यक्ति जो उसमें, केवल 3 लोग मारे गए। ये जो 100 बता रहे 150 बता रहे वो कई स्पष्ट नहीं है, कई प्रूव नहीं है, मर्जी से संख्या रोज बढ़ाते चले जाते हैं, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, केवल 3 लोग प्रामाणिक रूप से वहां पे शांत हुए और उन्होंने भी आत्महत्या की है, पुलिस की गोली नहीं चली, पुलिस ने कोई डर नहीं रखते। चिंतामणि जी क्या ये 3 लोग मायने नहीं रखते, क्या ये किसान नहीं थे? एक भी जान जाती है तो उसका महत्व है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जो है इन किसानों के नेताओं की है, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि 1000 लोग मरना चाहिए। भाई टिकैत का बयान आपने नहीं देखा क्या? वो कह रहे कि कम से कम गोली चले और 1000 लोग मरे, ये तो किसानों की मौत पर राजनीति करना चाहते हैं। ये आरएलडी के पार्टी यहाँ बैठे प्रवक्ता, ये आरएलडी वाले एक लोकसभा सीट नहीं जीत सके और उसी जाट बेल्ट में जीते हैं, इसलिए इस आंदोलन को जाट प्राइड से जोड़ने का काम कर रहे हैं। चले ठीक है, जाट गौरव से जोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरे और जवाब दे दीजिए कि अगर बार बार ये देखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि भ्रम फैलाने की कोशिश अपोजिशन वालों की तरफ से की जा रही है, लेकिन आपकी सरकार भी तो यहाँ पर बार बार ये कोशिशें कर रही थी ना कि अभियान चलाया जाए, चौपाल लगाया जाए, लोगों को जागरूक करने का काम किया जाए, तो आखिर फेलियर कहाँ साबित हो रही है आपकी सरकार? क्यों लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है आप पर? सर लोगों को भरोसा है तभी तो पूरे देश में आंदोलन नहीं है, ये केवल कुछ भ्रमित और केवल बाबा टिकैत का चेहरा देख करके, उनका नाम देख करके, कुछ अपनी जाति के कारण, कुछ भाई बंदी के कारण और कुछ जो वहां के दलाल जो है, जो बीच में दलाली करते हैं वहां अनाज खरीदने की, वो लोग आकर के बैठे हुए। ये किसान कहा इनमें? किसान तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अच्छा, जितने चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती। ये कहना है कि अगर ये 5 लाख की संख्या तो 5 लाख में भी किसान नहीं है? ये 5 लाख की संख्या नहीं है, मुश्किल से ये 10-20 हजार लोग हैं जो किसानों का, कि कुछ भी हुआ तो किसान तो किसानों का चेहरा मुखौटा लेकर के बैठे हैं, ये कोई किसान नहीं है। इसमें आड़ती हैं, इसमें दलाल हैं, इसमें खालिस्तानी हैं, इसमें जिहादी हैं, वो भी कई लोग देखे होंगे आपने जो साफा बांध करके खड़े हो गए वहां पर के। चिंतामणि तो इस प्रकार इसमें तो कई तरह के लोग हैं, ये किसान नहीं है। किसान तो करते हैं तो इसकी अहमियत भी समझिए कि आप यूं ही किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। क्या आपके पास? अरे सिद्ध हो गया अब, इसके बाद और क्या सिद्ध होना है? वहां लाल किले पर चढ़ने की क्या जरूरत थी? और कितने सारे ये वहां पे क्या नारे नहीं लगे हैं? आप बताइए, टुकड़े टुकड़े गेंद के लोगों को छुड़वाने की बात कौन कर रहा है? तो ये अगर कम्युनिस्ट नहीं थे, ये अगर वामपंथी नहीं थे, ये अगर टुकड़े टुकड़े गेंद नहीं, इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे अर्बन नक्सली केजरीवाल नहीं है, हारी हुई कांग्रेस नहीं है, तो फिर कौन है? किसान तो अपने खेतों में है, अपने घरों में है, काम कर रहा है। ये तो केवल दलाल
और इस तरह की राजनीति करने वाले राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चलिए जो किसानों बीच में हमारे साथ लोकेश चौक नेता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका लोकेश जी न्यूज वन इंडिया पर। अभी इसी चीज को लेकर के बहस चल रही थी लोकेश जी कि लगातार आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि सरकार है कि किसानों की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। इतना आंदोलन ये जो दो महीने से लगातार चल रहा है और लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, पूरा माहौल इस वक्त गर्माया हुआ है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी अभी बीजेपी का इस पर भी ये कहना है कि भ्रमित किया जा रहा है जो विपक्षी पार्टियां हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? लोकेश जी ठीक लगता है हमारा संपर्क यहां पर लोकेश चुग जी से नहीं हो पाया है, लेकिन इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया न्यूज वन इंडिया पर चर्चा के लिए जुड़ने के लिए। तो किसानों की लड़ाई विपक्ष ने हथियाई, और ये भी आपने सुना तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी उनके बयान भी हमने आपको सुनवाए, और साथ ही साथ जो किसान नेता है उनकी बातें भी हमने आपको सुनवाई कि उनका क्या कुछ कहना है वही। लेकिन ये तो साबित हो गया है कि अगर ये जो विपक्षी पार्टियां है आज अपना समर्थन दे रही है, लेकिन यही विपक्षी पार्टियां जब समय आता है और इन्हें भी लगता है कि अब घेरे जाने वाले, तो ये अचानक से गायब हो जाते हैं। यानी कि सियासी जमीन तलाशने की कोशिश लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है और हाईजेक करने की कोशिश किसान आंदोलन को किया जा रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।